हरियाणा के अंबाला में घर में सो रहे दो भाइयों पर हथियारों से बदमाशों ने हमला कर दिया, जिससे दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि उन्हें GMCH सेक्टर 32 चंडीगढ़ में दाखिल कराया गया। वहीं दोनों भाई बयान देने की स्थिति में नहीं है। आपको बता दें कि सदर थाना पुलिस ने मां की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। तो वहीं सदर थाना पुलिस को सौंपी शिकायत में नरेश विहार निवासी नीतू ने बताया कि उसके पति की कई साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने घर पर अपने बेटे साहिल व अनमोल के साथ सो रही थी। वहीं सोमवार रात करीब 1:30 बजे तीन युवक आए और उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया। जब उसने दरवाजा खोला तो तीनों बदमाश घर में घुस गए और दोनों सो रहे भाइयों को बेरहमी से पीट दिया। आपको बता दें कि वहीं हमलावरों ने दोनों भाइयों के सर पर ज्यादा वार किए, जिससे दोनों के शरीर पर काफी चोटें आई हैं। उन्होंने पड़ोसियों को बुलाया तो हमलावर वहां से फरार हो गए। आपको बता दें कि वह अपने भाई विनोद कुमार की मदद से दोनों बेटों को लहूलुहान हालत में अंबाला सिटी सिविल अस्पताल लेकर पहुंची। यहां दोनों को गंभीर देखते हुए चंडीगढ़ रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने घायलों की मां की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि घायलों के बयान दर्ज होने के बाद ही हमलावरों की पहचान करने में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।